हरे कृष्णा राधे राधे जय श्री श्याम। दोस्तों आज है श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को पुत्रदा एकादशी की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। अभी मैं करने जा रही हूँ पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा, तो उसके लिए हाथ में तुलसी दल ले लेंगे और 2 मिनट भगवान का ध्यान करेंगे। इसके बाद में पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा करेंगे। चलिए भगवान का ध्यान कर लेते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान जनार्दन की पूजा अर्चना आराधना की जाती है। जिन लोगों को संतान नहीं है, संतान प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। हे केशव, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका क्या नाम है, कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन प्राचीन काल की बात है, द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतीपुर में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन पोषण करते थे, किंतु उनके कोई भी पुत्र नहीं था। इसलिए वह अपने राज्य उनका अपना राज्य उन्हें सुखदायक प्रतीत नहीं होता था। एक दिन राजा ने अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पाप नहीं हुआ है। मैंने अपने राज्य के खजाने में अन्याय का धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है। दुष्टों को दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया है। किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा है। फिर भी क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है? आप लोग इसका विचार करें। राजा महिजीत की इस बात को जानने के लिए मंत्रीगण आदि वन में चले गए। वहाँ वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वयोवृद्ध तथा धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमेश भी थे। वे सभी उनके पास गए। उन सभी ने महर्षि को यथोचित प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उनसे विनय करने लगे कि हे देव, हमारे हो भाग्य हैं कि हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। इस पर लोमेश ऋषि बोले कि ब्राह्मणों, आप लोगों की विनय तथा आपके सद्व्यवहार से मैं अति प्रसन्न हूँ। अब आप मुझसे अपने आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूर्ण करूँगा। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब बोले कि हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। महिष्मती नाम की पुरी में एक महिजीत नाम का राजा धर्म पूर्वक राज्य करता है और वह राजा अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह धर्मानुसार उसका पालन पोषण करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है, जिससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उस राजा की प्रजा हैं, क्योंकि प्रजा का कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और उसके दुख में दुख माने। हमको उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ है। हम को पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप सब हमको राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएंगे। अब आप हमारे राजा का कष्ट अवश्य ही दूर करेंगे। अतः इस पर लोमेश ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। विचार करके बोले कि हे ब्राह्मणों, यही राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन और बुरे कर्म किया करता था। एक गांव से दूसरे गांव को घूमता था, व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, जो कि दोनों दिन से भूखा था, दोपहर के समय एक जलाशय में पानी पीने गया। इतने में ही बछड़े के साथ एक गौ भी वहां आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल गर्मी से परेशान होकर जलाशय में पानी पीने लगी। तभी इस व्यापारी ने पानी पीती गौ और बछड़े को
बीच में से ही हटाकर दूर कर दिया और पानी नहीं पीने दिया। इस कारण राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होना पड़ा और प्यासी गाय और बछड़े को प्यासा हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ा। इस पर सब लोग बोले, हे महर्षि, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बतलाइए, क्योंकि इस पाप के क्षय होने पर ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचनों को सुनकर लोमेश ऋषि बोले, हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि में जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमेश को प्रणाम करके उनके वाक्यों को सुनकर प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर को वापस आए। उन सभी लोगों ने श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमेश ऋषि की आज्ञानुसार व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9वें महीने पश्चात उनके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा है। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग प्राप्ति होती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ब्रज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो मैंने आप सभी को आज पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनाई है। आप सभी को ये वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस वीडियो को उन लोगों को ज़्यादा शेयर करिए जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, तो उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए। और अगर आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।